तो इंशाल्लाह हम लोग इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे और हमारे क्षेत्र में कल 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन सतर्कता बरतते हुए हमारे क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया है। रेड जोन का मतलब यह है कि हमारे क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन लोग वो लोग किसके संपर्क में आए हैं, जिनके संपर्क में आए हैं यदि वह व्यक्ति स्वेच्छा से आकर मेरे पास आ जाए, पार्षद जी के पास आ जाए या जिस मीडिया के माध्यम से जैसे भी जिस कारण आप सभी संभ्रांत व्यक्ति हैं, कोटेदार वसीम भाई नरसे जी हैं, किसी के माध्यम से, क्योंकि ये लड़ाई हमारी आप सबकी है, एक शैतान के खिलाफ हम सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सबको सम्मिलित होकर लड़ना है उसी लड़ाई के तहत, जिसके कारण हमारे क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया गया है। मेडिकल की टीम गठित की गई है, मेडिकल की टीम आएगी, इसमें मैं रहूंगा साथ में सुरक्षा के लिए। आप सभी लोग जिसका मेडिकल चेकअप होगा, ज्यादा उसमें समय नहीं लगता, हो क्या उनके पास मशीन होती, खड़े होंगे देख लिए, नहीं ये बात खत्म हो गई। आपको जिसके विषय में संदेह हो कि कोई व्यक्ति बाहर से आया हुआ है, विदेश से आया हुआ है, दिल्ली महाराष्ट्र से आया हुआ, आप स्वेच्छा से बता दीजिए, उसका चेकअप हो जाएगा। अगर किसी में पाया जाता है तो उसको अस्पताल भर्ती कर दिया जाएगा। बाकी इस क्षेत्र को पुनः रेड ग्रीन जोन, ग्रीन मतलब कि कोरोना मुक्त जोन घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि यूपी सरकार की जहां तक मुझको लग रहा है योजना है कि 14 तारीख तक लॉकडाउन करके फिर इसको धीरे धीरे खोलने की है। यदि अपने क्षेत्र में कोई नहीं मिलता है तो अपने क्षेत्र को कोरोना मुक्त करके लोगों की दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी, जो जन सामान्य कार्रवाई शुरू हो जाएगी, हम आप आम जनजीवन व्यतीत करने लगेंगे। आज हम जो घरों में बैठे हैं अपना काम करेंगे, हमारे बच्चे बाहर आएंगे अपना स्कूल कॉलेज खुलेंगे, इसमें हम माताओं बहनों से भाइयों से बुजुर्गों से सभी से निवेदन करते हैं कि कल अपने क्षेत्र में आए हुए मेडिकल टीम का सपोर्ट करेंगे और जैसे अभी तक सपोर्ट किया है वैसे उससे और अच्छा। तो 5% लोग हैं जो कि घरों में यहाँ बैठेंगे, फैलाएंगे, फिर घरों में जाएंगे, ये थोड़ा और कंट्रोल कर लेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम लोग इस लड़ाई को जीत जाएंगे। और ये ताली के साथ साथ आप सबका सहयोग चाहिए, किसी के घर में खाने को नहीं है, आप हमको बताइए, नौसे भाई को बताइए, पार्षद जी को बताइए, पूर्व पार्षद बताइए। और हमारे यहाँ इसमें ये हमने देखा है, इस लड़ाई में जिसके पास जो है उसके साथ खड़ा हुआ है, कोई भूखा नहीं, आज तक ये शिकायत नहीं आई अपने क्षेत्र में कि फला व्यक्ति भूखा है, इसके लिए हम आप सभी को बधाई देते हैं। और कोई ऐसी समस्या आती है फल की सब्जी की किसी प्रकार की, आप हमारा नंबर लगभग लोगों के पास है, मैं साल भर से यहाँ पर हूँ, आप लोग हमें बताइए, डॉक्टर साहब बताइए, कोई समस्या आती है किसी के माध्यम से कोई सूचना कन्वे करिए, बैठिए नहीं, कोई बाहर से आया उसको बताइए। और हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे, यही हमारी आपसे निवेदन है, मनोकामना है। धन्यवाद।